तो मेरे को एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे, भाई धुपकाले में मुर्गियों को अंडे बिठा सकते क्या बोल के, समर में मुर्गियों को अंडे बिठा सकते क्या बोल के पूछे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आज की अपनी वही टॉपिक है। जो भी नए लोग हमारे चैनल पे है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं अपने चैनल पे, और बाजू बेल आइकन भी रहता है उसको भी प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, मैं जब भी वीडियो डाला आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आती। अभी बात रही धुपकाले में, अगर आप अंडे बिठाना चाह रहे हैं, आप लोग आपके पास अगर टाइम है, आप अच्छा टाइम दे सक रहे हैं मुर्गी को, तो बिठा सकते, कुछ भी नहीं होता और अच्छे बच्चे भी निकलते। कई बोलते धुपकाले में जो बच्चे निकलते वो अच्छे रहते और घट भी निकलते। अभी बात रही उसको कैसा टेक केयर करना, कैसा करना, वो बोलता हूँ मैं। तो आप ना वीडियो पूरी नहीं देख रहे, इंशाल्लाह आप ना वीडियो पूरी इन तक देखो, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ जितनी मेरे को मालूम होती, और हो सका तो वीडियो को शेयर भी कर दो। अपना शेयर नहीं करे और लाइक भी नहीं कर रहे, तो हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अभी बात रही अंडों की, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास तो अंडे डेली 4-5 निकलते रहते हैं, और गेहूं तो मैं भिगा के डालता हूँ, आप लोग हर वीडियो में बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग भी जितना हो सके उतना कोसा भी दाना रहता, जवारी बाजरा गेहूँ कुछ भी डाले भिगा के डालो, थोड़ा अच्छा रहता, लोगों को गर्मी नहीं होती, मतलब ठंडा रहता भिगा के डाले तो। सुबह में या तो शाम में घंटा भिगा लो, अगर टाइम नहीं मिला तो, नहीं तो अगर फ्री है तो शाम में भिगा लिए तो अच्छा रहता। तो अभी बात रही अंडे, अगर बिठा दिए आप, बिठा सकते हैं और अच्छी ब्रीड भी निकलती धुपकाले में, तो उसको दिन में कम से कम एक बार तो छोड़ना पड़ता फिरने के वास्ते मुर्गी को। थोड़े लोगों का है फिरने नहीं छोड़ते उसको, अगर नहीं छोड़े तो अंडे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते गर्मी में, तो हिसाब से। और बात रही उसको बिठाने की जगह, जो भी जगह अपन बिठा रहे हो जगह थोड़ी ठंडी है सर का दिखना। अब लोग क्या करते हैं लोहे के डब्बों में, अच्छा कोसे भी चकलों के डब्बों में बिठाए थे, तो वैसा अगर बिठाए तो अंडे ख़राब होने के चांसेस रहते। जितना हो सके उतना ठंडी जगह पे बिठाने की कोशिश करना धुपकाले में, तो बच्चे 100% निकलते और अच्छा हेल्दी भी रहते। थोड़े लोग बोलते रहे भाई बच्चे नहीं निकलते धुपकाले में बिठाए तो अंडे ख़राब हो जाते, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कड़क धूप में बिठाया, बहुत बार मेरे पास निकले भी, और तकरीबन मेरे पास धूप में निकले से बच्चे आप लोग जितने भी देख रहे। तो इंशाल्लाह ये बार मैं बिठाया तो आप लोगों को बताता हूँ, नहीं बिठाएंगे बल्कि प्लान है, क्योंकि तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं टेक केयर नहीं कर सकता हूँ, तो हिसाब से नहीं बिठाए तो अच्छा रहता बोल के सोचा, फिर भी आप लोग पूछ रहे बोल के वो हिसाब से बोल दे रहा हूँ। तो आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो ना, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वही टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूँ। देखो ऐसा, और आप लोगों को दाना हर बार बता देता हूँ, सब भिगा के डालो अच्छा रहता है, देखो ऐसा। और खाने में भी आसान की रहती जानवर को और अच्छा हजम भी होता। तो समर में मुर्गियों को अंडे बिठा सकते, कुछ मसला नहीं है। बहुत लोगों को डाउट रहता भाई बिठाए तो कुछ हो जाता क्या, मतलब अंडे ख़राब हो जाते, नए होते। अब जाया भी बिठा रहे, बार बार बोल देता हूँ आप लोगों को, ठंडी जगह पे बिठाओ और उसको अच्छा टेक केयर करो, इंशाल्लाह बराबर बच्चे भी निकलते और अच्छे निकलते। और जो धुपकाले में बच्चे निकलते हैं वहाँ ज़्यादा सर्वाइव करने वाले रहते, मतलब अच्छा जीने वाले रहते। भाई को बोले तो घट रहते हैं वहाँ धूप बर्दाश्त करके निकलते करते, तो वो हिसाब से ज़्यादा भी बचने के चांसेस रहते। तो बिठाओ, बिठा सकते समर में, कुछ भी मसला नहीं होता। थोड़े लोगों को डाउट रहता, तकरीबन लोगों को रहता, थोड़े लोगों को नहीं रहता, कुछ भी हो जाता क्या बिठा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिठा सकते कोई मसला नहीं है। तो आप लोग ऐसे इंशाल्लाह कमेंट करके मेरे को बोलते रहो, मैं कोसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ बनाते रहता हूँ, थोड़ा मेरे को सपोर्ट भी होता। अपना वीडियो प्रिंट तक देखो, देखो अभी हमारा असील क्रॉस मुर्गा है, देसी मुर्गा भी बोलते हैं, ये मुर्गे निकल गए असील की, इसके साथ रखा था हमने, लोगों को बताएंगे बोल के, आप लोगों को बताते हैं। दिख रहा फाख्ता भी फिर रहा, अभी तेज़ धूप है, उसको थोड़ा दाने को प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं डाल देता हूँ दाना लोगों को, ना भी खा लेते मेरे। तकरीबन क्या है, जानवर को भी खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, जितना हो सके उतना टेक केयर करना अपन, दाना पानी टाइम पे रखना, और जितना हो सके उतना पानी रखना। दाना एक टाइम पे नहीं रखे तो भी चलता, लेकिन पानी रखना ज़रूरी है था, नहीं तो लोग मुश्किल हो जाती। तो अपना जितना हो सके उतना कोशिश करके लोगों को टाइम पर पानी रख दिए तो ना थोड़ा हेल्थी रहते और अच्छे रहते। जितना हो सके उतना पानी रखो, दाना कम रखे तो भी चलता, लेकिन पानी ज़्यादा रखना। अभी देखो मैं वहाँ डाला खा रहे, देखो लोग वो फाख्ते को हकाल दिया, दो भी बर्ड को खुद खा ले रहे। तो इंशाल्लाह अभी ऐसे आप लोग कमेंट करके मेरे को थोड़ा सपोर्ट करते रहो, मतलब बहुत लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे, तो हिसाब से वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। तो अपना ऐसे कमेंट करके मेरे को पूछते रहे तो मैं वही टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूँ, मेरे को टॉपिक काम भी मिल जाते रहते। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन।